तो स्वागत है आप सभी का नई रिएक्शन वीडियो में। आज जो रिएक्शन होने वाला है वो एक मूवी के ऊपर है जिसके अंदर कमल हसन है और ये एक बॉलीवुड मूवी है जिसके अंदर ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया और खुद है कमल हसन सर। मूवी है सागर, उसका क्लाइमेक्स सीन है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, उसके बाद थोड़ी बहुत इसके बारे में बात करेंगे। कमल हसन कितने अलग ही लग रहे हैं यार ना। जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। हाँ, ऋषि कपूर जमाने में अलग ही लगते थे। रवि, आज दोपहर में तुम्हारे घर गया था और मैंने तुम्हारी और मिस जोसेफ की बात सुन ली। राजा, क्या बात हुई थी? राजा बात कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। लेकिन एक बात और भी है मुन्ना, जो अगर जानकर मैं तुमसे छुपाऊंगा तो बेईमानी करूंगा। मुन्ना, राजा तुमसे प्यार करता है, मुझसे पहले से और शायद मुझसे कहीं ज्यादा। नहीं, ये झूठ है मुन्ना, ये झूठ है। ये सच है मुन्ना, यही सच है मुन्ना। हम अपनी खुशियों में खोए रहे और राजा का गम हमने कभी नहीं जाना। तो ये क्या बात हुई? पर मोना से नहीं पूछ रहा है। हमने कभी नहीं देखा कि इसकी एक एक हंसी आंसू के कितने सागर पार करके आ रही है। मोना, राजा की सारी उम्मीद, आरजू, जिंदगी तुम हो, सिर्फ तुम हो। लेकिन देखो देखो, आज भी अपने हाथों अपनी जिंदगी मुझे सौंप रहा है। नहीं मुना, इसे समझाओ, ऐसा कुछ नहीं है मुना, इसे समझाओ। तुम्हारी नजरों में मैं कुछ नहीं हूं, कोई नहीं हूं। कहां तुम, कहां मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूं कि तुम, और अगर कभी सोचा भी हो तो क्या। एक्टिंग जबरदस्त है यार कमल हसन सर की, है ना? बिल्कुल। अगर बच्चा चांद के लिए मचल जाए तो चांद थोड़ी उसके हाथों में आ जाता। क्या बात, क्या डायलॉग है। राजा, किसी इंसान को इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए कि दूसरों को अपने आप पे शर्माने लगे। तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, और मैंने तुम्हें दुख दिया। यार अभी याद आ रहा सब कुछ। क्यों किया मुझ पर इतना एहसान? लेकिन मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा। अब तुम भी अपने दिल की बात मान लो, जाओ रवि के साथ, कहीं दूर चले जाओ, एक नई जिंदगी शुरू करो जिसमें तुम। हम कोई नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकेंगे। अब जबकि मैं सब जानता हूँ तुम इसमें मोना की क्या गलती है। हाँ। जाओ तो ये एहसास मुझे कभी जीने नहीं देगा कि मेरी बात छोड़ो। अपनी सोच, क्या तुम राजा के सपनों के घरों पर पैर रख के आगे बढ़ सकोगी? क्या तुम राजा को तक देकर खुश रह सकोगी? तो क्या करे अब, वो प्यार करते हैं तो उसके साथ भी चले जाओ। क्या हो गया है तुम लोगों को? अब जब मंजिल तुम दोनों के सामने है तो किस बात की सजा दे रहे हो अपने आप को? जाओ। ओ विलन, आइए ठीक, ऐसा ही होना था, एक को तो मरना ही था। ओ Oh.
कमल हसन सर की एक्टिंग जोरदार थी। जो फैसला जिंदगी नहीं कर पा रही थी मौत ने कर दी। अभी तक भी इनकी स्टाइल यही है एक्टिंग की। इनकी माँ है। इतनी गोली खाने के बावजूद राजा ये क्या हो गया तेरे? जिन बाहों में जिंदगी मिली उन्हीं बाहों में मौत भी आए। और क्या चाहिए तुझे? मेरे बच्चे ऐसा मत को, ऐसा मत को मेरे बच्चे। मिस जोसेफ, गांव वालों को समझाना। इन दोनों को एक दूसरे से दूर ना करें। लास्ट में इमोशनल था यार। ये दोनों एक दूसरे से बहुत क्या बात है यार। अच्छे एक्टिंग की बात की जाए तो कमल हसन सर की थी, उनकी थी। और मतलब यार एक था बॉलीवुड के अंदर, हाथ कुछ गलतियां इसमें मतलब अब अटपटा सा लगता है, उसको गलतियां नहीं बोल सकते हैं, वो एक समय का फेयर है। हम मतलब इतनी पुरानी मूवी का अपन रिएक्शन दे रहे हैं उसे देख रहे हैं तो कहीं कहीं आपको ओवर दिखेगा, ओवर दिखेगा, लेकिन ये उस वक्त के हिसाब से बढ़िया था। लेकिन अब थोड़ा ये अटपटा सा लगता है, क्योंकि उस वक्त इतनी तवज्जो दी जाती थी कि अगर आपसे कोई और भी प्यार करता है जो आपका फ्रेंड है तो एक उसके इमोशन की कदर की जा रही है। ठीक है, आपकी चॉइस है कि आप उससे शादी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो या कुछ भी एक्स वाई जेड, लेकिन उसके इमोशन की कदर की जा रही है। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ों को भी पूरा ध्यान दिया जाता था, उनके ऊपर तवज्जो दी जाती थी, और उस टाइम पर ये चीज़ें बहुत अहम थी। आज के टाइम में तो इमोशंस किसी मूवी का बनाया गया है अलग से, वो एक जैसे चार्ली ट्रिपल से बना एक मूवी है ये, तो उसमें इमोशन कूट कूट के भरे हुए हैं। तो इस तरह की मूवीज आती है तो वो एक अलग बात भाई नहीं मिलता है हमें। दूसरी बात की जो क्लाइमेक्स सीन था लास्ट में, जब राजा को गोली लगती है यानी कमल हसन सर को गोली लगती है, तो उसके बाद जब उनकी जो मदर आती है जो उनको पाला था, या फिर उनको पाला ही था क्योंकि उन्होंने नाम बोला सीधा तो इसका मतलब पाला ही था, और जब वो मिलते हैं तो एक अजीब सा एक थोड़ा टच्ची सा एक इमोशनल सा सीन हो जाता है उसके अंदर। लेकिन फिर भी वहाँ आपने देखा होगा कि जब कमल हसन सर के जब पेट के अंदर गोलियां लगती है और जब वो मिस जोसेफ आ जाती है तो वो अपना जैकेट अपने ऊपर ले लेते हैं, तो सोचने वाली बात है कि जब गोली लगती है तो इतना खून बहता है कि वो शायद रुकता नहीं, लेकिन फिर भी उनकी जैकेट के ऊपर बिल्कुल खून की बूंद भी नहीं आती। बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा ओवर लगा था। बिल्कुल, अब ये क्या है कि जैसे डायरेक्टर है तो डायरेक्टर को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि भाई एक्टर को क्या करवाना है वो तो डायरेक्टर के हाथ में, जैसे वो सीन देंगे वैसे वो करने के। हाँ, इन्होंने अपनी उसके अंदर 100% दिया, लेकिन डायरेक्टर को ये तो सोचना चाहिए यार कि इस तरह से जैकेट अगर करोगे तो उसके ऊपर यूँ थोड़ी कि ब्लड वहीं रह जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर जैकेट कोई इतनी स्पेशल नहीं है कि उसमें आप ब्लड छुपा सकते हो, और मतलब जब वो बुलेट लगती है तो दो तीन बुलेट लगती है तो थोड़ा दो तीन बार गोल घूम जाते हैं, इतना पावर नहीं होता। लेकिन वो बंधे हुए हैं, उनको करना ही स्क्रिप्ट के अनुसार, उनको जैसा भी दिया हुआ है वैसा करना ही, उसके अंदर कुछ नहीं हो सकता था। और उस टाइम पर मतलब आज के टाइम में तो एक्टर कई बार स्क्रिप्ट चेंज करवा देता है मूवी के अंदर कि नहीं आप ऐसे नहीं उसके अंदर ऐसे करो वरना मैं काम नहीं करूँगा, तो वो नखरे भी झेलने पड़ते। लेकिन आप पहले वैसी वाली बात नहीं थी, अगर आपको काम करना है तो करिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, दूसरे एक्टर और मिल जाएंगे या एक्ट्रेस मिल जाएगी। तो था टाइम सारा सब कुछ चीज़ें, लेकिन काफ़ी अच्छा था। फिर भी जो लास्ट सीन था तो वो काफ़ी अच्छा लगा। कमल हसन सर की एक्टिंग सबसे बढ़िया लगी, हालांकि जो ऋषि कपूर है, डिम्पल कपाड़िया, ये अपने टाइम के बॉलीवुड के अंदर लेजेंड है, वो उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कमल हसन सर जो हिंदी एक लैंग्वेज वाली मूवी की है और उसके अंदर बिल्कुल बिल्कुल पता भी नहीं चल पा रहा है कि वो मतलब कि दूसरी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, मतलब फ्लुएंटली बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनका भी अपना नाम था। तो कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, कैसा लगा ये रिएक्शन, कैसा लगा ये बातें कैसी लगी, ज़रूर बताना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।